गुड मॉर्निंग, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा YouTube परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर भी कर दें। तो दिन है शुक्रवार का, टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 4:30। आज बच्चों का ना ऑटो नहीं आना था, तो हस्बैंड जी ही लेकर जाएंगे तो वो लेट से जाएंगे, यानी कि 6 बजे जाएंगे। तो मैं सोची चलो अब मैं उठ गई हूँ तो क्यों ना मैं 10 से 15 मिनट का, 20 मिनट का जो भी है योगा कर ही लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों का टाइम है ना, खाना खाने के बाद दोपहर को नींद आता है, वॉक करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और सुबह में सोचती हूँ दोपहर में करूँगी, दोपहर में सोचती हूँ कि चलो कल फिर से सुबह में कर लूँगी, इसी चक्कर से ना मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं बोली नहीं चलो आज टाइम मिल गया है तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सिंपल सा योगा, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा पेट वाला योगा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नहीं करना है, नहीं कर रही हूँ, करूँगी एक दो दिन बाद ही करूँगी। तो योगा कर लेते हैं। और योगा ये सोचकर मत कीजिए कि सिर्फ वेट लॉस ही करना है, योगा से ना हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारे जितने भी नस हैं सब चालू रहते हैं और हमारा दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है, और साथ के साथ जो भी हमारी बीमारियां हैं ना बहुत अच्छे से कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर बच्चों के लिए नाश्ता बना देते हैं, बच्चे चले जाएंगे, हस्बैंड जी चले जाएंगे, उसके बाद बैठ कर आराम से नहा कर धोआ कर मैं लेकर बैठ गई हूँ अपने लिए नाश्ता। मेरा नाश्ता देख रहे हैं ना कितना हेल्दी है, वाकई में ये ना बहुत टेस्टी लगता है, कभी आप ट्राई कीजिएगा। मैं ना कभी भी मूंग दाल इस तरीके से नहीं खाई थी, कभी भी नहीं, लेकिन अभी बेटे के लिए कर रखी थी और मैं भी खाई, मुझे बहुत पसंद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो डियर, सुबह का सारा काम काज हो गया है, पूजा तो करनी नहीं थी, तो मैं अपने लिए लेकर आ गई हूँ मेरा फेवरेट नाश्ता, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स हमें खाना चाहिए, हेल्थ को तो ठीक रखता ही है, साथ में हमारे स्किन को भी ग्लो करता है। अगर दोनों चीज़ चाहिए, वेट लॉस भी चाहिए, साथ में स्किन भी ग्लो करे वो भी चाहिए, तो ऐसे चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फ्रूट मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब सैलेड वगैरह तो आप कर सकते हैं, जितना हो सकता है ना, जितना बन सकता है उतना करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि बहुत सारे महंगे महंगे फल ही खाएं, क्योंकि इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ डियर, मैं भी कोई ऐसी नहीं हूँ कि हाँ हर चीज़ अवेलेबल होता कर ही लेती हूँ, मैं भी बस आप लोग के जैसे ही हूँ, क्योंकि आप लोग सोचते हैं, बोलते भी हैं कि दीदी हम लोग फल उतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो डियर ये सब मैं समझती हूँ, मैं ये सब दिनों से झेल कर आई हूँ, तो सब कुछ समझ सकती हूँ कि कितना प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम अपना वेट लॉस करेंगे तो बस फ्रूट वगैरह से ही कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। 32 बार फॉर्मूला जो है वो हम हाउसवाइफ के लिए एक वरदान है, समझ लीजिए एक वरदान है, जिसका कि हम बहुत अच्छे से अगर अच्छे से यूज़ कर लेना, घर के बने खाने से ही अपना वेट लॉस कर लेंगे। जो सभी के लिए खाना बन रहा है वो अगर हम भी खाएंगे तो हमारा भी वेट लॉस होगा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि ये खाइए वो खाइए, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, और आप देखना भी, जो लोग भी 32 बार से अपना वेट लॉस किए हैं ना, उनमें से 80% लोग यही बोलते हैं कि हम लोग घर का ही खाना खाते थे और बस उससे हमारा वेट लॉस हो गया। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा उन लोगों ने ट्रिक अपनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंने भी कोई ऐसा ट्रिक नहीं अपनाया, आप तो देखते ही हैं। मेरा मोटिव यही रहता है डेली लाइफ दिखाने का कि देखिए घर के खाने को ही खाकर मेरा वेट, मैं अपना वेट कम की हूँ और अभी तो मैं मेंटेन भी कर रही हूँ बीच। तो चलिए बातें नहीं करते हैं, खाना बनाना अभी बाकी है, दाल चावल बन गया है, सब्जी बनानी बाकी है, पहले इसे अच्छे से 32 बार चबा कर खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करते हैं। और खिड़की के सामने ही आज मैं बैठ कर खा रही हूँ, क्योंकि हमारे तरफ ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसीलिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट निवाला आप सभी के लिए, खा लीजिए जल्दी जल्दी, अच्छा लग रहा है ना, टेस्टी। चलिए अब हम भी खाते हैं। आप पूरे खाने को अगर एक ही बार में 32 बार में नहीं चबा सकती है ना, तो जो पानी निकलता है उसको पी लें,
फिर चबाना स्टार्ट करें, क्योंकि मैं ऐसा ही करते आई हूँ तो मैं आप लोग को बोल रही हूँ। और हाँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिना पानी को पिए हुए 32 बार चबाते हैं। तो आपको जो सुविधा लगे, जैसा अच्छा लगे, आप वैसा ही कीजिए। तो चलिए इसे अच्छे से 32 बार चबा कर खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं किचन में। सो फ्रेंड, अभी किचन में आ गए हैं। किचन में बनाने जा रहे हैं पटल और आलू की सब्ज़ी। हालांकि मैं पटल का भरवा बनाने वाली थी, लेकिन ये ना 2 दिन पहले आया हुआ था पटल, तो जिसके वजह से मैं नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं फ्रेश रहता है ना तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है और बहुत खाने में अच्छा रहता है। लेकिन 2 दिन बाद थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा था, इसीलिए मैं नहीं बनाई। दोपहर का जो खाना होता है ना, मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ, सब कुछ अच्छे से यूज़ करती हूँ, तेल मसाले सब कुछ। क्योंकि अगर हम लोग सुबह में भी तेल मसाले स्किप कर देते हैं, रात में भी कर देते हैं और दोपहर में भी कर देंगे, तो फिर हमारा जो फैट होता है वो पूरे तरीके से चर्बी ख़त्म हो जाएगी। या जब चर्बी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी ना, तो हमारा ग्लो भी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ। दोपहर का खाना परफेक्ट रहता है, हर तरीके का रहता है, अच्छा खाना रहता है। क्योंकि दोपहर में जो भी हम लोग खाएंगे, उसके बाद तो सारा काम काज करते ही रहते हैं, रात तक एक्टिव रहते हैं, तो ये सब अच्छे से हजम हो जाएगा और फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इसीलिए मैं दोपहर का खाना मेरा अच्छा होता है, रात को हल्का फुल्का रहता है, सुबह में तो फ्रूट्स ही लेते हैं। तो इसी तरीके से, और देखिए खाना बनाते बनाते ना मैं पानी को भी पीते रहती हूँ उसी तरीके से। तो आप लोग भी ऐसा ही करें, अगर पानी पीने का टाइम नहीं मिलता है तो इसी तरीके से आप लोग भी पानी पिया करें। तो देखिए मसाला वसाला डाल दी थी, सब कुछ कर फ्राई कर अच्छे से पटल की सब्ज़ी बन गई है। सो फ्रेंड, अब सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ, अब जाते हैं इस पटल को ख़त्म करते हैं। पूरा ख़त्म नहीं कर सकेंगे तो कम से कम आधा तो ख़त्म करेंगे ही, तो सब्ज़ी भी बनती रहेगी और अपना पानी भी होते रहेगा। तो इसी तरीके से टाइम निकाल निकाल कर, जब भी आपको टाइम निकलता है ना, तो पानी ज़रूर पिएं। हर 1 घंटे बाद कोशिश करें कि 1 गिलास पानी ज़रूर से ज़रूर पिए। चलिए पानी पीते हैं। तो पानी पिए टाइम हो गया था और मेरा सब्ज़ी भी बन गया था। दाल, जैसे मैं आप लोग को बताई कि दाल को मैं फ्राई नहीं की थी, तो हमारे तरफ बिल्कुल सिंपल तरीके से इसी तरीके से मैं दाल को फ्राई करती हूँ। जीरा, लहसुन और मिर्ची लेकर फ्राई कर देती हूँ। किसी किसी दिन मन होता है तो फिर उसे अच्छे से प्याज डालकर, टमाटर डालकर उस तरीके से भी करती हूँ। बच्चे थोड़ा सा आनाकानी करते हैं उस तरीके का दाल खाने में, हालांकि सबसे टेस्टी वही दाल होता है। अगर वैसा दाल बनता है ना तो सब्ज़ी की भी ज़रूरत मुझे नहीं लगती है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा है ना, आप समझ सकते हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है प्याज है, टमाटर है, अरे इस तरीके से बना देने से ना, तो वो खा लेते हैं। सब्ज़ी भी बन गया था, दाल भी बन गया था। सुबह में बनाई थी लौकी और आलू की भुजिया, और थोड़ा सा ना कल का आलू पोस्तू बचा हुआ था, तो वो मेरा बेटा खा लेगा क्योंकि पटल आलू नहीं खाता है वो। तो क्या करे डियर, पहले क्या होता था ना कि इसी तरीके से कुछ भी बन जाता था ना, तो मैं तो अपने आप को डस्टबिन समझती थी। तो जो भी बचता था ना अपने में मैं घुसा लेती थी, मतलब खा लिया करती थी। सोचती थी क्यों रखूँ, क्यों फेंकूँ, ऐसा सोचती थी। लेकिन अब मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी अपने आप को डस्टबिन नहीं समझती हूँ। कभी कभी खाली खाली, लेकिन हमेशा नहीं खाती हूँ, रख देती हूँ। खाने लायक रहता है तो रख देती हूँ, नहीं खाने लायक रहता है तो फिर डाल देती हूँ कि कोई तो खा लेगा। इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि जब तक हम लोग अपने आप को डस्टबिन समझना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा मोटापा बिल्कुल भी घटेगा नहीं। तो फ्रेंड, चलिए यहाँ पर सभी के लिए खाना लग गया है, चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। गरम गरम खाना है, गर्मियों के दिन में भी गरम गरम खाना मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है गरम गरम खाना। हालांकि इन लोगों को पसंद नहीं है, मेरे ससुराल वाले किसी को भी गरम खाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं निकाल कर रख दे रही हूँ, वो लोग 5 से 10 मिनट बाद ही खाते हैं, लेकिन मैं अपना स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि गरम खाना मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आपको स्वाद आ जाएगा। तो बेटा नहीं खाएगा क्योंकि वो नाश्ता कर है भी गया था, और फिर टिफ़िन में भी मैं दे दी थी, वो भी खा लिया था, इसीलिए वो बोला अभी मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ा देर बाद ही खाऊंगा। तो बेटी खा रही है, मैं खा रही हूँ, हस्बैंड जी भी खा रहे हैं। तो चलिए खाना वाना खा लेते हैं अच्छे से च्यू करके, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं शाम के 5:10, शाम के हो गए हैं 5:10, और मैं खाना खाने के बाद जो भी काम रहता है करने के बाद सो गई थी। अभी उठी हूँ, 4:30 बजे उठी हूँ, और मैं ना उठी तो फिर से देख रही हूँ आंगन में ढेर सारा एकदम जामुन, मेरे आंगन में जामुन है, ढेर सारा बीज वगैरह गिरा हुआ था, तो फिर से मैं झाड़ू लगाई, और आप देखिए कितना सारा कपड़ा था,
सब कपड़ा लेकर आई हूँ। मैं सो गई थी एकदम, मैं सोती नहीं हूँ जल्दी दोपहर में, लेकिन आज सो गई थी और सोकर उठी तो आज मैं एक वीडियो देखी हूँ। क्या मैं बोलूँ, मुझे हंसी भी आ रही है। तो खैर उसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। अभी पहले ले लेते हैं ग्रीन टी, क्योंकि मैं किचन में ग्रीन टी रख कर आई हूँ। तो चलिए पहले ले लेते हैं ग्रीन टी। और ग्रीन टी भी नहीं मैं पी थी, खाने के एक घंटे बाद नहीं पी पाई थी क्योंकि सो ही गई थी मैं। 3 बजे जाकर सो गया था, हम लोग तीनों सो गए थे। तो चलिए ले लेते हैं पहले ग्रीन टी। ग्रीन टी ले ली, और खाने के बाद ग्रीन टी ना लो ना तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ छूट रहा है। आदत सी हो गई है मुझे ग्रीन टी की, नहीं लेती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। आजकल तो फिर भी कम हो गया, अब तो मैं सिर्फ दोपहर में ही ले रही हूँ, रात में तो ले भी नहीं पा रही हूँ। कभी कभी लेती हूँ और कभी कभी नहीं ले पाती हूँ। तो खैर एक टाइम तो मैं ज़रूर लेती हूँ दोपहर के टाइम, नहीं तो जब मेरा वेट लॉस चल रहा था ना उस दौरान तो मैं तीन टाइम लेती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि एक टाइम नहीं ले पाई, नहीं तो दोपहर को और रात में तो ज़रूर से ज़रूर लेती थी। सुबह में कभी कभी स्किप हो जाता था क्योंकि मैंने अपना वेट लॉस ना ठंड के समय में किया था। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना डियर कि ठंड के समय में वेट लॉस नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ठंड के समय वाला ही ना वेट लॉस परफेक्ट रहता है, क्योंकि टाइमिंग भी पता नहीं चलता है, बिल्कुल भी टाइमिंग का पता नहीं चलता है, कैसे हमारा सारा दिन चल जाता है पता भी नहीं चलता। और अभी तो क्या मैं बोलूँ, अभी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करने का भी मन नहीं करता है और बहुत सारा कुछ होता है, टाइम भी बहुत बड़ा करता है जिसकी वजह से थोड़ा सा आलस आने लगता है। लेकिन ठंडे के टाइम में कुछ ऐसा नहीं होता था, सब परफेक्ट टाइम से होता था। सो फ्रेंड आज मैं सो कर उठी ना तो मैं एक वीडियो देखी जो कि 32 बार के ऊपर उन्होंने बना कर रखा था। बहुत कुछ बोला उन्होंने जो कि 32 बार के ऊपर नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मेरा हमेशा कहना यही रहता है, मैं रहूँ या कोई भी रहे, कि जिस चीज़ को आप एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हैं, तो नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने 32 बार को लेकर बहुत कुछ बोल दिया कि 32 बार करने से है वीक हो जाते हैं लोग, मतलब बहुत सारा प्रोटीन नहीं मिलता है, मतलब मैं क्या क्या बोलूँ। मैं उतना देखी भी नहीं, थोड़ा बहुत ही देखी, ज़्यादा तो मैं देखी भी नहीं, पूरा उनका वीडियो भी नहीं देखी, स्किप कर देखी। उसी में पता चल गया कि उन्होंने बहुत कुछ बोला, तो ऐसा नहीं बोलना है। देखिए आप पहले करिए, वो भी वेट लॉस कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि एनर्जी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एनर्जी ख़त्म नहीं होता है, 32 बार करने से और ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल बहुत अधिक हो जाता है। क्योंकि एनर्जी लेवल तो बढ़ जाता है, साथ में बहुत सारे बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती है, जो छोटी मोटी जो परेशानियां होती हैं हम लोगों को, थायराइड से रिलेटेड, बीपी जिनको है उनको, शुगर वाले को, बहुत सारे लोग हैं जिनको छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो दूर हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हमारा वेट लॉस होता है ना तो वो सब सारा बीमारी जो है ना ख़त्म होने लगता है, जो कि हमें मोटापा से होता है। तो बिना जाने, बिना सुने, बिना एक्सपीरियंस किए ऐसा मत बोलिए। हाँ उन्होंने एक बात और भी बोला कि जो लोग भी 32 बार के बारे में ये सब बोलती हैं कि 32 बार से वेट कम हो जाता है, तो क्या वो कभी दिखाई हैं, रोज़ डेली रूटीन दिखाती हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ डियर कि आपकी जो रिसर्च है ना अधूरी रह गई। बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो कि अभी कर रही हैं। मैं अपना पूरा वाला जो था जब मैं बहुत मोटी थी उस वक्त का मैं इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा उस समय चैनल ही नहीं था, नहीं तो अगर अब मैं सोचती हूँ काश मैं उस समय चैनल बनाई हुई रहती तो शायद दिखाती। और जब मैं कर रही थी उस वक्त 32 बार स्वीकार सर बनाते थे और एक दो लेडीज़ बनाती होंगी, नहीं तो कोई भी नहीं बनाता था। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट की, मैं बनाने लगी, उसके बाद अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारी लेडीज़ लोग बनाती होंगी, होता है ना सारे लोग एक दूसरे का ही देख कर करते हैं, तो देखा होगा उन्होंने और सुना होगा, समझा होगा और अप्लाई किया अपने ऊपर, तो फिर उनका भी वेट लॉस होने लगा होगा, तो फिर अपने चैनल के साथ वो लोग भी शेयर करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ये गलत बोल रही हैं कि वो नहीं दिखाता है कोई भी 32 बार वाला डेली रूटीन, नहीं, बहुत सारी हैं जो दिखा रही हैं, जिन्होंने पतला होकर दिखाया है, कैमरे के सामने पतला होकर दिखाया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं है, और दूसरी बात कि हम अपने आप को भूखा रखते हैं, तो नहीं डियर, जो भी आप हैं मैं आपका नाम नहीं लेना चाहती हूँ,
ये बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग अपने आप को भूखा रखते हैं। नहीं, ये भूखा रखने वाली बात ही नहीं है। हमारा शरीर जितना चाहता है खाना वो उतना ले लेता है, उसके बाद फिर हमारा भूख ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जितना उसको चाहिए होता है उतना उसको मिल जाता है, फिर क्यों भूख लगेगी। सारे लोग 1.5 से 2 रोटी खाते हैं, और 1.5 2 2.5 रोटी हमारे लिए काफ़ी होता है। साथ में हम लोग सैलेड भी लेते हैं, फ्रूट भी लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं करते हैं। और एक चीज़ और वो बोल रही थी कि चेहरे से ग्लो ख़त्म हो जाता है, तो नहीं, चेहरे से ग्लो ख़त्म नहीं होता है, बहुत सारा ग्लो आ जाता है। लेकिन हाँ, ख़त्म होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी किनका ख़त्म होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग करना स्टार्ट कर देती हैं कि बस फ्रूट ही खाना है, 32 बार चबाकर मैं फ्रूट ही खा रही हूँ, चिया सीड्स खा रही हूँ और वेजिटेबल ही खा रही हूँ, तो उनका ग्लो चला जाता है। सब कुछ खाते पीते हुए जो लोग 32 बार को करती हैं ना, उनके चेहरे से कभी भी ग्लो नहीं जाता है। आप ऐसा मत सोचिए, एक बार ट्राई कीजिए। आप भी वेट लॉस कर रही हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए, अगर आपको लगे तब आप आगे बढ़ाना, वरना फिर जो आप कर रही हो करना। तो यही सब था, नहीं बोलना चाहिए। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, पहले किसी चीज़ को देखिए, समझिए, करिए, उसके बाद फिर अपनी राय रखिए कि हाँ ये चीज़ गलत है, क्योंकि जब तक आपने किया नहीं तब तक आपको कैसे मालूम चलेगा। तो यही सारी बातें थी। तो चलिए डियर, शाम के 5:30 बजने वाले हैं, अब ग्रीन टी पी लेते हैं और इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं आप लोगों के लिए। कल मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो आज जब तक मैं नहीं डालूंगी तब तक चैन में चैन नहीं आएगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें।